आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नगर पालिका अध्यक्ष एवं तहसीलदार ने किया पटाखा दुकानों का निरीक्षण, लिया सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा। जैसे जैसे दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजारों की रौनक बढ़ने लगी है। शहर एवं आसपास के ग्रामीण खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। शहर के कॉलेज ग्राउंड में स्थित पटाखा दुकानें भी सजने लगी है। आपको बता दें कि पिछले 2-3 सालों से नगर पालिका द्वारा व्यापारियों को पटाखा दुकान लगाने के लिए बड़वाह के कॉलेज ग्राउंड पर जगह आवंटित की जा रही है। कुछ दिनों पहले नगर पालिका परिषद में पटाखे दुकानों की नीलामी की गई थी, जिसमें दुकानों के लिए सबसे महंगी बोली 82,000 एवं सस्ती बोली 5,000 रुपए की थी। आज पटाखे दुकानों की सुरक्षा एवं व्यवस्था को देखते हुए बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, तहसीलदार शिवराम कनासे ने पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया, जहां अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता के द्वारा पटाखा व्यापारियों से बात की गई एवं उनकी सुरक्षा से संबंधित बातों को सुना गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने भी पटाखे खरीदे। निरीक्षण के दौरान श्री गुप्ता ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा पिछले 2 सालों से कॉलेज ग्राउंड पर दुकानें आवंटित की जा रही है, जिससे उनकी सुरक्षा अच्छे से बनी रहे। श्री गुप्ता ने बताया कि मैंने व्यापारियों से बात की, सारी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। श्री गुप्ता ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा यहाँ पेयजल व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था तथा फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की है। श्री गुप्ता ने बताया कि नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ दुकानों का लगातार निरीक्षण भी किया जाएगा, जिससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो सके। व्यापारियों से भी नगर पालिका अध्यक्ष ने आग्रह किया है कि कोई अव्यवस्था ना हो, इसका ध्यान रहे। मीडिया से बात करते हुए कुछ दुकान व्यापारियों ने बताया कि इस बार सबसे महंगा पटाखा 2,000 रुपए एवं सबसे सस्ता पटाखा 5 रुपए उपलब्ध है। निरीक्षण के दौरान उनके साथ पार्षद प्रतिनिधि साबिर खान, अनिल कानूनगो, लोकसभा सांसद प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार यादव मौजूद थे। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए बड़वाह से हिमांशु जैन की रिपोर्ट। नर्मदे हर बड़वाह शहर में दीपावली के जो पटाखा मार्केट लगा है, पिछले 2-3 वर्षों से हम इसको कॉलेज में लगा रहे हैं, चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है और व्यवस्था की दृष्टि से भी। उसके बावजूद भी सभी प्रशासनिक अधिकारी आज यहाँ पर दौरा करके गए, उससे भी उन्होंने आग्रह किया था कि आप भी देख लें, क्योंकि पटाखा मार्केट व्यापारियों के लिए, हमारे त्यौहार के लिए तो बहुत आवश्यक ही है, लेकिन अधिकारियों की एक अपनी जिम्मेदारी बन जाती है सुरक्षा को लेकर। और हम लोग जानते हैं कि अखबारों के माध्यम से, टीवी समाचारों में, कि दीपावली के त्यौहार के समय इस तरह की दुर्घटनाएं माहौल को बदल देती है, और इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि त्यौहार जो है वो खुशियों का त्यौहार और खुशियों से ही मनाया जाए, इसमें किसी तरह की भी ऐसी घटना नहीं हो जिसके लिए हम ये माहौल बदले। इसी के लिए मैं भी यहाँ पर सभी अपने पटाखा व्यवसायियों से मिलना भी था, उनकी व्यवस्थाएं भी जानना थी, साथ में उनसे ये आग्रह भी किया कि किसी भी तरह की इस तरह की वो नहीं करें जिससे सुरक्षा को लेकर कहीं खतरा उत्पन्न हो। और चूंकि हमारे सभी व्यापारी इस मामले में बहुत संवेदनशील है और सभी इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। नगर पालिका एक्चुअल में यहाँ पे दुकानों का आवंटन करने के बाद में यहाँ की सफाई की व्यवस्था, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था और यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है और नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी के प्रति बिल्कुल तत्पर है। और हमारे व्यापारी लोग भी इस मामले में पूरा सहयोग की भावना रखते हैं और सभी का सहयोगी रूप है। 1-2 दिन में सारी दुकानें खुल जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि इन व्यापारियों का भी अच्छा व्यापार होगा और बड़वा शहर दीपोत्सव का ये त्यौहार बहुत खुशियों के साथ मनाएगा। नर्मदे हर।